अब दुखवार नहीं। बड़े अरमान लिए दिव्या राय 23 जनवरी 2007 को अपने पिया के घर ब्याह कर आई, मगर आते ही उन्हें दहेज के लिए तंग किया गया, मारपीट की गई और फिर ससुराल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। मैंने दिव्या के बारे में सुना कि बहुत परेशानी दिव्या ने झेली है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जब उसकी शादी की, हाँ जी, बहुत अरमानों के साथ की होगी आपने उसकी शादी। बहुत ज़्यादा मेरा फर्स्ट इशू है वो। ऐसे नहीं परेशान होते। मैं बहुत परेशान हूँ, अभी बहुत परेशान हूँ। कब तक तकदीर को कोसेगा, कब तक तू भाग्य को रोएगा। आपने उनकी क्या कुंडली नहीं दिखवाई थी? नहीं, कुंडली नहीं दिखवाई थी। फैमिली प्रेशर में उसकी शादी हुई, वो अभी बहुत छोटी थी। लड़के वालों ने उसे, फैमिली में एक फंक्शन था, डीजे पे डांस कर रही थी, उसे पसंद कर लिया और बहुत ही उन्होंने झोली फैला फैला के मांगा कि आपकी लड़की हमारे लड़के को बहुत पसंद है, इसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, हम इसकी स्टडी भी पूरी करवाएंगे, इसका सब अरमान इसके पूरे करेंगे, आप हमारी झोली में लड़की को डाल दो। घर के बड़ों ने बोला, फैमिली प्रेशर में उनके रिस्पेक्ट करते हुए शादी हो गई। जिस दिन से लड़की की शादी हुई है उस दिन से लेके आज तक ना वो हंसी है ना हम हंसे हैं। मेरा हंसता बसता परिवार, सारी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, उनकी स्टडी, जो मेरिट में आते थे, तीनों बच्चे, मेरे दो बच्चे और भी हैं, एक बेटी और एक बेटा, सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं इस टाइम। उन लोगों ने इतना इस लड़की को टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, मारना, तीन तीन दिन कुछ खाने को नहीं देना, और इतना ज़्यादा टॉर्चर। एक दिन मेरा बेटा चला गया कि मैं सिस्टर के पास रहने जा रहा हूँ, मेरे फादर इन लॉ के पास गया था, कहते इसको तो यहाँ से भेज दे, इसको जो यहाँ नहीं रहने देना, तूने इसको इसलिए बुलाया कि वो देख सके कि तेरे पे कितने जुल्म होते हैं, ये एविडेंस बन जाएगा, इसको यहाँ से भेज दे। वो लड़का घर आ गया, कहने लगा मम्मी आज के बाद मैं दीदी के घर नहीं जाऊँगा, वहाँ इस तरह से दीदी को टॉर्चर करते हैं, आपने क्या देख के शादी की है। उन्होंने लड़की को डेथ बेड पर पहुँचा दिया। इस लड़की का 3 दिन हो गए थे, इसने कुछ नहीं खाया था, बाथरूम के वाश बेसन से पानी पी रही थी उस घर के अंदर। अब तो मुझे यूं लगता है कि मेरी छोटी सी बेटी है, उसके हंसने खेलने के दिन थे, उस दिन से बिल्कुल हंस के नहीं देखा उसने। गुरुजी, जब हम लड़की ब्याहते हैं तो बहुत सारे मन में विचार होते हैं, पता नहीं ये सुखी होगी नहीं होगी, हमने इतने लाड से पाला है, आगे जाकर इसका क्या होगा। हमने तो mangalsutra.com के बारे में आप बोलना शुरू कर दिया, मुझे लगता है गुरुजी हमने बहुत देर लगा दी। सही चीज़ बनाने में समय तो लगना ही था, अब ये बन के ऐसा तैयार हो गया है कि जो भी कोई पढ़ता है वो खुद ही डिसीजन ले लेता है कि हमें ये शादी करनी चाहिए या नहीं। इनकी बर्थ डिटेल्स आप लें और आप खुद बताएं कि उस नन्ही सी गुड़िया पर इतने कष्ट क्यों। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है देवकी? 6 दिसंबर 1988, 3:10 पर करनाल। इस बिटिया की कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र का मेल 7वें स्थान पर, ये दोनों जब मिलते हैं तो नीच केतु जन्म लेता है। ये नीच केतु इसके पिता और पुत्र के स्थान पर बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि पड़ती है लाभ के ऊपर और इनका टकराव मियां बीबी के जो निजी सुख होते हैं उस जगह पर जा रहा है। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेशक शादी से पहले ही मियां बीबी एक दूसरे को जानते हो, ये जो योग है, खास करके आज से 2 साल पहले से ये शुरू हुआ और ये अभी आगे 3 साल तक और बाकी है। कोई ना कोई ऑपरेशन के ऐसे योग जिसके कारण की लंबी बीमारी का पल्ले पड़ना, यानी कि कम से कम 1 साल की बीमारी का पल्ले पड़ना। इस बच्चे की कुंडली के अंदर जब तक केतु का उपाय संपूर्ण रूप से हम नहीं कर देते तब तक इसकी भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। जब आप अपनी छोटी लड़की की शादी करें चाहे इसकी करें, शादी के बाद एक चांदी की चूड़ी पर लाल रंग का मीना लगवाकर आपने ज़रूर डलवाना है इसे, ठीक है। जब बेटे की शादी करो, आपके यहाँ बहू आए, तब भी चांदी की चूड़ी पर लाल मीना उसके लगवा करके उसकी बाजू में ज़रूर धारण करवाना है। अगर ये उपाय हो गए तो उसके बाद आपके साथ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन अगला साल पूरा, यानी कि अगले दिसंबर से लेकर उससे अगले दिसंबर तक आपकी सेहत नाजुक ही बनी रहेगी, लेकिन कोई तकलीफ बड़ी नहीं बनेगी आपको।
ये है इसकी बच्ची। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे। मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ। मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ। अब दुखवार नहीं।